हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है उसके कौन कौन से विभाग आते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती है। तो एक है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और दूसरा है सैनिटरी इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग मतलब कि वाटर जो है उसको एक जगह से, मतलब कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर उसको कम्युनिटी तक पहुंचाना, मतलब शुद्ध क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ अप्रोक्सीमेट और डिज़ायर क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो उसको कम्युनिटी तक पहुंचाने की जितनी भी वर्क है उसको वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर लेकर आते हैं। और सैनिटरी इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, इसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है क्वांटिटी ऑफ वाटर। हम जो भी पानी की सप्लाई करते हैं वो एक डिज़ायर क्वांटिटी में होनी चाहिए, जैसे कि एक पर्सन को एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 135 LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे पानी की ज़रूरत होती है, तो उनको डिज़ायर क्वांटिटी में मिलना ही चाहिए। फिर क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ वाटर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो क्वालिटी भी अच्छे से उनको मिलना चाहिए। देन वाटर ट्रीटमेंट, प्रॉपर वाटर जो है, जो भी वाटर सप्लाई स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है उसके अंदर वाटर जो है प्रॉपर ट्रीट होकर लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके बाद है कन्वीनियंस ऑफ वाटर, वाटर का कन्वे करवाना, मीन्स कि वाटर जो है जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आता है, जैसे या फिर वाटर ट्रीटमेंट के लिए वाटर को कन्वे करवाना, पाइपलाइन वगैरह बिछाना पड़ता है, और वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए भी पूरे अरेंजमेंट जो होते हैं उसको बोलते हैं कन्वीनियंस ऑफ वाटर। वाटर कन्वीनियंस मीन्स वाटर को एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे पर्टिकुलर लोकेशन तक भेजना। इसके बाद है वॉल्स एंड फिटिंग, ये भी हमारे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर आता है, जैसे कि किसी भी एक स्थान से हम वाटर की सप्लाई कर रहे हैं पाइपलाइन के द्वारा, तो पाइप को बंद करने के लिए, चालू करने के लिए वॉल की आवश्यकता पड़ती है, वाल्व, और प्रॉपर फिटिंग के लिए भी हम जो है कुछ जॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर मेंटेनेंस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भी हमने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया हुआ है उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर आएगा आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर कन्वीनियंस, वाल्व एंड फिटिंग्स एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकेंड ब्रांच है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की, जो है आपकी सैनिटरी इंजीनियरिंग, इसको हम लोग वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर आएगा कलेक्शन ऑफ सीवेज, सीवेज का मतलब होता है वाटर वेस्ट, वाटर वेस्ट, सीवेज का क्या मतलब है, वाटर वेस्ट। दूसरा है कन्वीनियंस ऑफ सीवेज, एक तो सीवेज का कलेक्शन करना, दूसरा है सीवेज का प्रॉपर निकाल करवाना, मतलब कन्वीनियंस ऑफ सीवेज। अब सीवेज को हम प्रॉपर सीवेज सिस्टम में, ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा सीवेज को हम लेकर जा रहे हैं, उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक, STP तक पहुंचाते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ सीवेज का ट्रीट करना, ऐसे ही हमें जो है डिस्पोज नहीं कर देना है। तो सबसे पहले हमें सीवेज को डिस्पोज करने से पहले सीवेज को प्रॉपर ट्रीट करना पड़ता है। फिर आएगा सीवेज डिस्पोजल, अभी हमने सीवेज के अंदर रहने वाले जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं और वाटर वेस्ट हैं उसको हमने सेपरेट कर लिया। वाटर वेस्ट को हम लोग रिट्रीटेड करके यूज़ कर सकते हैं और सॉलिड वेस्ट को अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो सीवेज बचा हुआ है इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वेस्ट वाटर, तो उसको हम जो है प्रॉपर डिस्पोज करवाएंगे। तो डिस्पोज इन रिवर हो सकता है, डिस्पोज ऑन फील्ड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ सीवेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम का प्रॉपर मेंटेनेंस। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप ज़रूर बताएँ, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो को लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।